चैनल में आपको वेलकम करते हैं। वेलकम टू रियलिटी डेस्क न्यूज़। रियलिटी डेस्क न्यूज़ एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जहां पर आपको अपने मोस्ट फेवरेट एक्टर्स की तमाम न्यूज़ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल रियलिटी डेस्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि तमाम न्यूज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपके मोस्ट फेवरेट एक्टर्स की आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आपको मिले। न्यूज़ का नोटिफिकेशन ऑल आपने ज़रूर अलाउ करना है। जब आप पर नोटिफिकेशन को अलाउ करोगे तो भी आपको अपने मोस्ट फेवरेट एक्टर्स की हवाले से आने वाली हर नई न्यूज़ आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे बॉलीवुड अदाकारा रिया चक्रवर्ती के बारे में। तो वीडियो को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने मोस्ट फेवरेट एक्टर्स की आने वाली हर न्यूज़ को सबसे पहले जानें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे बॉलीवुड अदाकारा रिया चक्रवर्ती के बारे में। ये ऐसी अदाकारा हैं जिन पर अपने ही बॉयफ्रेंड की खुदकुशी के इल्ज़ाम आए हैं। इस एक्टर ने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया है और इनके बॉयफ्रेंड की खुदकुशी के बाद इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। इसी हवाले से आपके साथ अपडेट्स शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि आपने क्या देखना है और इसमें क्या अपडेट्स थी। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको वीडियो पसंद आएगी और जब आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है और अपने मोस्ट फेवरेट एक्टर्स के बारे में भी ज़रूर बताना है। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तो हम आपके मोस्ट फेवरेट एक्टर्स के बारे में जान नहीं पाएंगे। इसके साथ आपने हमें ये भी बताना है कि आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं ताकि आपके लिए आपके फेवरेट एक्टर्स के हवाले से न्यूज़ बनाई जाए, उनके हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाए। तो ये आपने हमें फीडबैक में ज़रूर बताना है। अगर आप हमें बताएंगे तो ही हम आपके मोस्ट फेवरेट एक्टर्स के हवाले से जान पाएंगे और उनकी आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आपके साथ शेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे बॉलीवुड अदाकारा रिया चक्रवर्ती के बारे में। रिया चक्रवर्ती पर इन्हीं के बॉयफ्रेंड और अदाकार सुशांत सिंह की खुदकुशी के इल्ज़ाम हैं। इन इल्ज़ाम की वजह से इस अदाकारा ने बहुत कुछ फेस किया है और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। लोगों ने इन्हें बहुत कुछ कहा है जिस वजह से इस अदाकारा की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अदाकारा रिया के फैंस के लिए इनके इस न्यूज़ को शेयर करेंगे तो इनके फैंस के लिए हम ये न्यूज़ बना रही हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में बॉलीवुड सीनियर अदाकारा सुष्मिता सेन के पोस्ट कार्ड में शिरकत की है जहां उन्होंने अपनी बदली हुई ज़िंदगी के हवाले से इंकशाफ किया है। रिया का कहना है कि सुशांत की खुदकुशी के बाद इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा ताने मारते हैं और इनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं जिसे फेस करना इनके लिए मुश्किल हो गया है। लोगों ने इन्हें जादू करने वाली और चुड़ैल तक कहना शुरू कर दिया है। रिया ने कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा दर्द से गुजर रहे हैं और इन सब को फेस करना अब इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो इन सब चीज़ों को फेस करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह एक्टर्स भी इंसान होते हैं और उनके लिए भी ऐसी चीज़ों को फेस करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही अदाकारा रिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही बॉयफ्रेंड और अदाकार सुशांत की खुदकुशी में वो मुलव्वस हैं और ये भी कहा जाता है कि सुशांत ने खुदकुशी करने से चंद घंटे पहले रिया से मुलाकात की थी। वो रिया के ही अपार्टमेंट में थे और उन्हीं के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद जब सुशांत ने खुदकुशी की तो इस तरह सारा इल्ज़ाम रिया पर आ गया था। इस हवाले से वो काफ़ी टाइम जेल में भी रहीं। जब वो जेल से वापस आईं तो इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। लोग इनसे नफ़रत करने लगे थे। लोगों ने इन्हें चुड़ैल, डायन और जादू करने वाली कहा और न जाने क्या क्या कहा जिस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ। अब अदाकारा ने कहा है कि अगर वो मजाक में
भी कह दें कि मेरे पास सुपर पावर हैं तो लोग इन्हें जादू करने वाली और चुड़ैल समझने लगते हैं। ये सब कुछ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और यही नहीं, जब वो जेल से वापस आई तो वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो चुकी थी और इस बदनामी की वजह से अब इंडस्ट्री के लोग भी इनसे नफरत करने लगे हैं और कोई भी इन्हें अपनी फिल्मों में काम नहीं दे रहा, हर कोई इन्हें फिल्मों में कास्ट करने से इनकार कर देता है। ये सब कुछ अदाकारा रिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। गाइस, रिया एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने अदाकार सुशांत से प्यार किया था और वो काफ़ी अरसा तक एक साथ रहे थे, दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिश्ते में रहे, जिस वजह से उनकी खुदकुशी के बाद इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है और लोग इन्हें बहुत कुछ कह रहे हैं। रिया पर अदाकार सुशांत को मंशियात मंगवाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया था और इस हवाले से वो काफ़ी अरसा तक जेल में भी रही थी और ये सब कुछ इनके साथ हुआ, जिस वजह से अदाकारा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी और इन्हें ख़ुद को संभालने में भी बहुत टाइम लग गया है। इस हवाले से भी अदाकारा ने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी के इस मुश्किल दौर में गुज़र रही हैं और ये सब कुछ इनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। गाइस, आपको क्या लगता है कि अदाकारा रिया के साथ जो कुछ हो रहा है ये सही है या गलत? क्या वाकई ही अदाकारा रिया की वजह से अदाकार सुशांत ने खुदकुशी की है या खुदकुशी की कोई और वजह थी? ये आप हमें कमेंट्स में, फीडबैक्स में बता सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें अदाकारा रिया के हवाले से जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एक्ट्रेस के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।